राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष वलदीप भंडारी ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है हमीरपुर पहुंची वलदीप भंडारी ने गत पाँच सालों में कृषि उपज मंडियों की खस्ता हालत के लिए भी जिम्मेदार ठहराया साथ ही प्रदेश में सब्जी मंडियों की अनदेखी करने के कारण किसानों की रुचि में कमी आने का आरोप भी लगाया राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष बलदेव भंडारी का हमीरपुर सर्किट हाउस में पहुंचने पर एपीएमसी चेयरमैन हमीरपुर अजय शर्मा नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया इससे पहले बलदेव भंडारी ने सब्जी उपस मंडी का, जाहू और नदौन का भी औचक निरीक्षण करके स्थिति का जायजा लिया राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कहा कि प्रदेश में सब्जी मंडियों की देखरेख के अभाव में बहुत कमियां हैं, जिसे जल्द दूर किया जाएगा और जहां पर जरूरत होगी वहां पर नई सब्जी मंडी खोली जाएगी कि अभी भी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में किसान जो हमारा उत्पादक है पैदा करता है उत्पादक है और जो हमारा उपभोक्ता है इन दोनों के बीच में अभी एक बहुत बड़ा गैप है बहुत बड़ी दूरी है हमारा किसान की उपज किसान का सब्जी फल अगर दस रुपये किलो बिकता है तो उपभोक्ता को बीस से पच्चीस रुपये मिलता है तो एक बहुत बड़ी दूरी है बहुत बड़ा अंतर है इस दूरी को हम खत्म कम करने का प्रयास करेंगे और इसी में आदरणीय देश के मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ई नेम सिस्टम शुरू किया है जिसमें हमारे देश की पाँच सौ पचासी मंडियाँ ई नेम से जोड़ दी गई है अभी हमारे प्रदेश की भी उन्नीस मंडियाँ उसमें जोड़ दी गई हैं जिसमें जो किसान पैदा करता है अपनी फसल को वो ऑनलाइन उसका डिस्प्ले करेगा और जो देश में कहीं भी कोई व्यापारी बैठा है कोई भी खरीदार बैठा है वो उसकी वहाँ से बिड लगाएगा और उसके खाते में किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा और उसको माल सप्लाई करेगा ये ई नेम सिस्टम हमारे देश में आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया है जिसमें हमारी हिमाचल प्रदेश की उन्नी मंडियाँ हैं और खुशी की बात यह है के सत्रह अठारह में क्योंकि अब ये शुरुआती स्टेज है पर शुरू के साल में भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी है उसने पूरे देश में पहला इनाम प्राप्त किया है तो उसके लिए हमारे जो मंडी के जो हमारे कमेटी के और जो हमारे बोर्ड के कर्मचारी वो भी बधाई के पात्र हैं और अभी भी मैं अभी इक्कीस तारीख को सोलन मंडी में था तो मैं वहाँ रिपोर्टिंग ले रहा था तो अभी भी हमारा जो सोलन मंडी है पूरे देश में क्योंकि इसकी रोज की रोज रिपोर्टिंग होती है तो अभी भी पहले दूसरे नंबर पर चला हुआ है तो ई नेम के माध्यम से आने वाले समय में किसान जो उत्पाद उत, उत्पादक है और उपभोक्ता है उसकी दूरी कम होगी और किसानों को उसका अच्छा लाभ मिलेगा जैसा आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे उसी को लेकर ये ई नेम शुरू किया गया है नई सब्जी मंडी देखिए नई सब्जी मंडी खोलने के लिए अभी भी मैं समझता हूँ प्रदेश में जो मंडियाँ खुली हैं वो बहुत पर्याप्त है बहुत सी मंडियाँ खुली हैं लेकिन वो चल नहीं रही हैं लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी उसके लिए हमने कहा है अपने स्टाफ को कि आप सर्वे करें और मेरा स्टाफ सर्वे करके रिपोर्ट देगा फिजिबिलिटी बताएगा और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी कहीं पर भी आवश्यकता होगी हम चाहे हो हमारी बड़ी मंडी है छोटी मंडी है या कहीं सब्जी संग्रह केंद्र है वो सब हम खोलने के तैयार हैं बोर्ड के पास पर्याप्त पैसा है हमारी जो कमेटियां हैं जिला की उनके पास पर्याप्त पैसा है लेकिन मैं ये जरूर मेरे को आप सोच है कि पिछले पाँच सालों में मैं समझता हूँ इस प्रदेश में कुछ भी काम मंडियों के बारे में नहीं हुआ है मैंने बहुत सी मंडियाँ विजिट कर लिया छठा जिला में विजिट कर रहा हूँ सारी मंडियाँ चाहे वो दस साल पहले बनी है पंद्रह साल पहले बनी है बीस साल पहले बनी है जो जिस साल में बनी थी वहीं की वहीं पड़ी है कोई भी मरम्मत का काम उसमें नहीं हुआ है हालत इतना खराब है कि ऊपर से छतें चूरी चूरी हैं पानी अंदर आ रहा है लेकिन कोई ठीक करने वाला नहीं है आने वाले समय में हम सबका मैंने सारा अपने स्टाफ को बोल दिया कि उसके जहाँ जहाँ जो जो आवश्यकता है और मेरे आरती लोगों ने जो मेरे को समस्या बताई या मेरे कर्मचारियों ने बताई इमीजिएट उसके एस्टिमेट प्रागलन तैयार किए जाए और उसकी स्वीकृति हम बोर्ड से देंगे वहीं एपीएमसी हमीरपुर चेयरमैन अजय शर्मा ने बताया की नवनियुक्त अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने हमीरपुर की सब्जी मंडियों का दौरा किया है उन्होंने बताया कि सब्जी मंडियों में जाकर कर्मचारियों की समस्याओं को भी निपटाने का आश्वासन दिया है आज हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान बलदेव भंडारी जी ने जिला हमीरपुर की सब्जी मंडियों का दौरा किया है आज सर्वप्रथम सर उन्होंने हमीरपुर के नादौन की सब्जी मंडी का निरीक्षण किया है और एपीएमसी की हमीरपुर की जिला की टीम ने माननीय अध्यक्ष जी का नदौन के पुल पर पहुंचने पर बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया तत्पश्चात उन्होंने मंडी सब्जी मंडी में पहुंचकर सब्जी मंडी का निरीक्षण भी किया और ज़रूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों कर्मचारियों को दिए हैं मंडियों के सुधार के लिए अभी यहीं हमीरपुर के सर्किट हाउस में भी माननीय अध्यक्ष जी का जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी महिला मोर्चा ने भी युवा मोर्चा ने भी यहाँ पर पहुँच इनका स्वागत किया है इसके पश्चात हमीरपुर की दुसड़का स्थित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया जाएगा और उसके साथ साथ जाहू में भी सब्जी मंडी का निरीक्षण माननीय अध्यक्ष जी करेंगे मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश की सब्जी मंडियों का विकास होगा और बलदेव भंडारी जी जैसे अनुभवी व्यक्ति का लाभ प्रदेश के किसानों को प्रदेश के व्यापारियों को मिलेगा ऐसी हमारी अपेक्षा है